आप लोगों के दर्शन होते हैं, ये भी सौभाग्य होता है इंसान का अच्छे आदमियों के दर्शन हो, अच्छी जगह जाया जा, किस्मत की बात, तकदीर जब साथ देती, जब सारे काम बढ़िया होते हैं। और तकदीर सबकी अलग अलग होती है, एक इंसान सारी उम्र बह के मर जा सुख देख नहीं पाता, एक सारी उम्र मौज में रह काम भी नहीं करना। पंडित जी ने एक भजन बनाया, क्या कहा भजन में, कैसे भाई सब सो दे तकदीर के भाई सब सो दे तकदीर के कमाए फकीरिया कमाए फकीरिया सब सो दे तकदीर के माए फकीरी आली। बहुत से लोग घर के काम तो टड़के जेठ-साठ में जब नुवाड़ा काटना हो तीने की भी न खातर बाबा बन जा, फिर जब ठंडा जा फिर करा। लेकिन जो असली साधु है एक बार साधु हो गया फिर उसकी अपनी किस्मत है, क्या करेगी ना तो टेशन छाप घने। एक तो साधु ये है जो हमारे पास बैठे भगवान स्वरूप, और एक वो साधु है जो टेशन पर रात खाते, फर्क है उनमें और इनमें। क्या कहा पहली कली में के? आदरणीय भाई पवन कुमार दिगल जी, बहुत इनाम पहले बरसात कर रहे और 100 रुपए से मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय रामफल शर्मा जी 51 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, और आपने देख ही लिया भगवान श्री बाबा पंचमनाथ जी महाराज सभी कलाकारों का मान सम्मान करते हुए और पहले भी रुपए की बरसात की और बरसात कर रहे हैं। अब मैं गिन नहीं सकता ना मैं बता सकता कि ये तो करोड़ों है। चरणों में बार बार आदेश नमन, क्या कह दिया दूसरी कली में कैसे दुनिया में कर जा रहे कोई सर बदनामी दर जा रहे कोई सर बदनामी दर
से ने ये कई कई त्रिया प्याली मैं मकीरिया मित्र बहुत ही बड़ी अश्रोता और भगवान स्वरूप बाबा पालनाथ जी के भगत 51 रुपए से हमारा मान बढ़ाते हैं। भाई का बार बार धन्यवाद। आर तीसरी किल में क्या समझा दिया कैसे की, बोलिए भारत माता की।